चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपका है यूपीसीएल कंप्यूटर का क्विज़ 2, जिसमें 30 क्वेश्चंस का सेट है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का क्विज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। तो कुछ सेकेंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो ऐसे रेफरेंस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस, वर्ड रेफरेंस, नन ऑफ दीज। जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, इसका आंसर होगा क्रॉस रेफरेंस। एमएस वर्ड में पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस डी। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नोट्स के लिए, रेफरेंस, एनिमेशन या पिक्चर? फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर होगा रेफरेंस के लिए करते हैं फुट नोट और एंड नोट का उपयोग। सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ए। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस जे। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है? पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है किस डॉक्यूमेंट से, सॉरी किस कमांड से? शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस ए। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वो कौन से पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं? एक्सेल में कौन से पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का अपने आप गणना का कार्य करते हैं? एनिमेशन, नोट्स, फंक्शन, नन ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर होगा फंक्शन। एक्सेल में फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे किसके द्वारा पृथक किया जाता है? मतलब एक्सेल में जो फॉर्मूला लगता है उसमें एक रेंज दी जाती है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो उस रेंज को देने के लिए कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है? सेमी कॉलन, कॉलन, हैज़, नन ऑफ दीज। तो चलिए कुछ सेकेंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर होगा कोलन। एक्सेल में नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F5। तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस पेज अप। सेल पॉइंटर को या कर्सर पर अगली सीट पर ले जाने के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है। तो चलिए इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। सेल एड्रेस E21 क्या प्रदर्शित करता है? ई रो है और 21 कॉलम है, ई कॉलम 21 रो, डी कॉलम 21 रो, F कॉलम 21 रो। इसका आंसर होगा E कॉलम 21 रो। कौन सा सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है? मतलब सामान्य उद्देश्य जो होते हैं फोटो एल्बम, क्विज शो, इन सब के लिए एक पूर्ण वर्णित प्रेजेंटेशन कौन सी है? स्प्रेडशीट, वर्कबुक, टेम्पलेट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट। पावर पॉइंट को रन करने के लिए रन विंडो में क्या टाइप किया जाता है? PWRPNT, पावर पॉइंट, पावर PNT, पावर पॉइंट। चलिए कुछ सेकेंड का आंसर है आपके पास। इसका आंसर होगा पावर PNT। पावर पॉइंट में स्पीकर नोट कहाँ उपस्थित होते हैं? स्लाइड के दाएं, स्लाइड के नीचे, स्लाइड के बाएं, स्लाइड के ऊपर। तो इसका आंसर होगा स्लाइड के नीचे।
पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन सदैव किस पर आधारित होता है? न्यू प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रीसेंट प्रेजेंटेशन, ब्लैक प्रेजेंटेशन। इसका आंसर होगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट लोड करते समय स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है? टास्क बार, टास्क पैन, स्टेटस बार, स्टेटस पैन। इसका आंसर होगा टास्क पैन। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में फाइल किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है? तो इसमें आंसर डायरेक्टली ही आ गया है, .pptx होता है एक्सटेंशन। एमएस एक्सेस में डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 8, 10। तो इसका आंसर होगा 10। एमएस एक्सेस में एक नई टेबल बनाने के लिए किस मेथड में आपको फील्ड टाइप और साइज स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है? क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल बाई एंटरिंग डेटा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए, आपके पास टाइम है इसके लिए। इसका आंसर होगा क्रिएट टेबल बाई एंटरिंग डेटा। अगर आपको डेटा एंटर करना है टेबल में तो आप उसका फील्ड टाइप और साइज उस टाइम पर स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एमएस एक्सेस में यह डेटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल की अनुमति देता है। कौन सा डेटा टाइप है? ऑटो नंबर, नन ऑफ दिस। तो चलिए, कुछ सेकेंड का टाइम है आपके पास। इसका आंसर होगा टेक्स्ट। एमएस एक्सेस में टेक्स्ट डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज कितनी होती है? 20 कैरेक्टर्स, 25 कैरेक्टर्स, 50 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर होगा 50 कैरेक्टर्स। TCP दूसरी मशीन के डेटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करती है? सॉरी, TCP जो होती है, प्रोटोकॉल के बारे में बात की जा रहा है, वो दूसरी मशीन को डेटा का एक बड़ा ब्लॉक अगर भेजना है तो उसके लिए क्या करती है? डेटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है, डेटा ब्लॉक को उसी रूप में भेज देता है, दोनों कथन सही हैं या फिर सभी कथन गलत हैं? तो इसके लिए आपके पास टाइम है, आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा TCP डेटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है। IP का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP का काम क्या होता है? उपयोगता को पंजीकृत करना, प्रसारण करना, उपयोगता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयोगता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना। इंटरनेट एड्रेस क्या होता है? TCP/IP के जरिए सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों की आवंटित संख्या। इंटरनेट का पता, सॉफ्टवेयर कंपनी का पता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा TCP/IP के जरिए सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों की आवंटित संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेस को और किस नाम से पुकारते हैं? लैन संख्या, वैन संख्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या। इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त करते हैं? बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या टेलीफोन कंपनी के द्वारा, कंप्यूटर विक्रेता के द्वारा, IETE के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या टेलीफोन कंपनी के द्वारा इंटरनेट एड्रेस प्राप्त करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? गेटवे, रूटर या फिर राउटर बोल सकते हैं, IC, सर्विस प्रोवाइडर। चलिए, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास इसके लिए कि इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है।
इसका आंसर होगा गेटवे। निम्नांकित में से कौन यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है? डायलअप वाया मॉडम, डायलर, वी सैट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वी सैट। तो चलिए ये 30 क्वेश्चंस थे आपके क्विज़ के। नेक्स्ट मैं क्विज़ लाऊंगी और अलग से वीडियोस भी लाऊंगी आपके टॉपिक वाइज। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।